हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुशील एस ट्रैवल मेनिया। जैसे कि आप जानते हैं, कोविड से पहले जब वियतनाम के वीज़ा के लिए हम अप्लाई करते थे, तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना पड़ता था, उसे लेके फिर आपको एयरपोर्ट पे जाना पड़ता था और तब जाके तुमको वीज़ा मिलता था वियतनाम का। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब आप वेबसाइट पर डायरेक्ट ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कई विरोधाभास है। अभी भी कई थर्ड पार्टी एजेंसी इन चीज़ों को चला रही है, जिसके लिए आपको 4 से 5 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, उससे सिर्फ मात्र 2 हज़ार रुपये में आप वियतनाम का वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा आपको मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूँ। सबसे पहले हम गूगल में टाइप करेंगे ई वीज़ा फॉर वियतनाम। इसके बाद आपको कई तरह की वेबसाइट दिखाई देंगी, जिसमें आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं वियतनाम के लिए। लेकिन याद रहे, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन चुनना है, ये वाला, जिसके द्वारा आप सीधा गवर्नमेंट के वियतनाम पोर्टल में पहुंच जाएंगे, जहां आप वियतनाम का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे फॉर फॉरनर्स, क्योंकि आप वियतनाम के निवासी नहीं हैं, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी है और फ्रंट पेज जो है पासपोर्ट का, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और इसमें बताया गया है कि आपको $25 पे करने पड़ेंगे और 3 दिन का ये प्रोसेस लगता है आपका वीज़ा अप्रूवल का। इसके बाद हम नीचे कन्फर्मेशन वाले बटन पर क्लिक करते हैं और फिर प्रोसीड करते हैं। उसके बाद जो पहले बताया गया था, वही यहाँ पर दर्शाया गया है कि आपको अपनी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करनी है और पासपोर्ट की कॉपी इस तरफ। तो पहले मैं अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा कि एक अप्रोप्रिएट साइज़ की फ़ोटोग्राफी यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट के फ्रंट पेज की फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड मारनी है। मैंने डेमो देना था ये आपको, इसलिए मैंने नॉर्मल एक रैंडम फ़ोटो उठा के यहाँ पर डाल दी है। इसके बाद बाकी डिटेल्स हम एंटर करते हैं। फर्स्ट हमें अपना नाम यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ऑप्शन आता है नेशनैलिटी का, उसके बाद आपको अपना रिलीजन डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा हिंदू। उसके नीचे ऑप्शन आता है एड्रेस, वहाँ पे आपको एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपका फ़ोन नंबर। यहाँ आपको अपना पासपोर्ट नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा और उसकी एक्सपायरी डेट। उसके बाद आया है ऑप्शन इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन वियतनाम। इस पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट 30 डेज ले लेगा, क्योंकि ये टूरिस्ट वीज़ा है। और उसके बाद आपको रेजिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम स्पेसिफाई करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं मैड मंकी हॉस्टल में रह रहा हूँ वियतनाम में, तो मैं अपना एड्रेस मैड मंकी डाल देता हूँ। उसके बाद आता है आपका जेंडर, जैसे कि मैं मेल हूँ, तो मैं मेल पे क्लिक कर दूँगा। इस पे फुल डेट मंथ एंड ईयर पे क्लिक हो रखा है, उसे वैसे ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन दिया हुआ है, जो कि मैंडेट नहीं है। नेशनैलिटी ऑफ बर्थ बाय डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होगा अपना और दोबारा री एंटर करना होगा। टाइप में ऑर्डिनरी लिखा हुआ आएगा पासपोर्ट, तो आपको वो ऑर्डिनरी रहने देना है। इसके बाद आपका इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल जो होगा, वो आपको डालना है यहाँ पे। उसके बाद पर्पस ऑफ एंट्री और फर्स्ट स्पॉट जहाँ पे आप लैंड करने वाले हो वियतनाम के अंदर, वो चीज़ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैं हो ची मिन्ह सिटी में जा रहा हूँ, तो मैं सिटी स्पेसिफाई कर देता हूँ हो ची मिन्ह सिटी। फिर ग्रांट ई वीज़ा वैलिड फ्रॉम डेट आ जाएगी यहाँ पे, जो आपको डालनी है, और उसके बाद से 30 डेज वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा।
कौन से एयरपोर्ट से और बाय लैंड कौन से गेट से आप वियतनाम में एंटर कर रहे हो, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी होगी। जैसे कि मैं आ रहा हूँ हो ची मिन सिटी एयरपोर्ट से, जिसके एयरपोर्ट का नाम है तान सोन नाट। उसके बाद सपोज मैं दनांग से एग्ज़िट मार रहा हूँ वियतनाम के, तो वो मुझे वो एयरपोर्ट यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। और अगर आप कहीं बाय लैंड आप वियतनाम से एग्ज़िट मार रहे हैं, तो वो जो लैंड बॉर्डर है उस जगह का नाम आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन करने पे। इसके बाद कैप्चा एंटर करने के बाद आपको रिव्यू पेज पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का पॉपअप आएगा, मेक श्योर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको वो आगे जाके हेल्प करे आपके वीज़ा को ट्रैक करने में। तो इस तरह रिव्यू पेज ओपन होगा, आप गो थ्रू कर सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक्स हुई है तो उसको करेक्शन कर सकते हैं वापस जाके, और अगर कोई गलती नहीं हुई है तो आप आगे जाके प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करके। यहाँ पे इस तरह की डिटेल्स आपकी पॉपअप होगी जिसे आप गो थ्रू कर लीजिएगा। और अग्री करने के बाद पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और इस तरह आप अपनी पेमेंट भी कर सकते हैं। तो है ना काफ़ी रीज़नेबल और टाइम सेविंग। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, सीधा जाइए इस पोर्टल पे और वियतनाम के वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और इसके अलावा कोई सी भी क्वेरी हो तो आप सीधा कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, जैसे ही मुझे पता चलेगा और डेफिनेटली आई रिवर्ट यू बैक। सो एट दी एंड बस यही कहूँगा, कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग। और हाँ, मेरी आने वाली जो ट्रैवल सीरीज़ है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा।